गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैंने आप लोगों को कल बताया था कि मैं एक लोकल के घर में स्टे किया है। एक्चुअली जैसे हम पत्थर साहिब गुरुद्वारा पे थे और हमारा मन था कि हम वहीं पे स्टे करेंगे, और लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हम ऐसे ही बात कर रहे थे वहाँ के जो जिनकी पोस्टिंग थी फौजी भाइयों से, तो जैसे हम बातें कर रहे थे, बातें चली कि हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो भाई वहाँ पे काम करने के लिए गया हुआ था। तो भाई ने हमें बोला कि हम मैं आप लोगों को आगे ड्रॉप कर सकता हूँ। तो हम जैसे हम मतलब हमें आना ही था आगे की तरफ, लेकिन हमें लिफ्ट मिल गई, ये सबसे अच्छी बात है। और फिर उसने भाई ने थोड़ी देर बाद में बताया कि आपका रहने का इंतज़ाम हो चुका है, आप हमारे साथ रहोगे हमारे घर में। तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जो मैं मतलब कि मैं सोच रहा था कि मैं लोकल्स के घर में कम से कम एक दिन तो स्टे करूं और वहाँ का रहना सहना कैसा है मैं देख सकूँ। तो जनाब आज मैं उन्हीं के घर में हूँ, और अभी हम जैसे पैकिंग वगैरह कर रहे हैं तो थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का मतलब इस घर का टूर करा देता हूँ। पहले पूछ लेता हूँ घर वालों से, उसके बाद मैं आप लोगों को लोकल्स के घर कैसे होते हैं मैं दिखाता हूँ। और जिस रूम में मैं हूँ आप देख सकते हो, हमने इजाज़त ले ली है और ये नीचे से ऊपर की तरफ है, फर्स्ट फ्लोर पे, और ऐसा है, ये टॉयलेट है, ये हमारा रूम है, और ये इस एरिया को क्या बोलते हो? एक्चुअली यहाँ बैठने के लिए होता है, और साइड में किचन है। तो और आपका नाम? सरूर स्कर्मा सरूर शुरू। कौन सी क्लास में? फर्स्ट फर्स्ट क्लास में है, और बहुत क्यूट है। और आजा इधर इधर इधर, ये है। हाँ, अपना नाम बता। जिग्मे जल्दन। और कौन सी क्लास में हो? थर्ड क्लास में। थर्ड क्लास में। ये कल से रात को थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन अब ये सही है। और लाइटिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, बट काम चला रहे हैं। तो आज स्कूल की छुट्टी है ना? ओके, तो अब मतलब घर पे ही रहते हैं। अभी स्कूल बंद हो गया ना कोविड की वजह से, नहीं तो और पहले ये भाई है खुला जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी और यहाँ तक लेके आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। आपका नाम भूल जाता हूँ यार। स्कर्मा स्कर्मा सकर्मा सेम नाम है। सकर्मा हाँ सिकम स्कर्मा। हाँ सकर्मा सकर्मा, अब याद ही हुआ मेरा ये नाम, क्योंकि दो दो नाम हो गए ना, अब याद हो गया सकर्मा सकर्मा। तो हम अभी बच्चों के साथ बैठे हैं, सकर्मा सकर्मा और जिगमित 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 का याद रह सकता है। सकर्मा सकर्मा कर्मा सकर्मा सह लगाना बस, कर्मा स्कर्मा। तो ये क्यूट क्यूट से बच्चे थर्ड क्लास फर्स्ट 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 थर्ड थर्ड क्लास, और भैया सेकेंड ईयर में है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अभी यहाँ आए हुए हैं अभी, तो अभी मतलब आप लोगों को बंद हो चुका हुआ कॉलेज, कॉलेज की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, तो भैया की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और यहाँ लगाते हो क्या? कभी कभी क्यों, नेटवर्क में दिक्कत होती है ना, यहाँ तो क्लासेस अच्छे से नहीं लग पाती। हाँ किस तरफ जाने का मन है? अभी जाएंगे गोवा के लिए। क्या है गोवा? गोवा घूमने के लिए या हमेशा के लिए? घूमने के लिए। हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए मन है भाजो ने कहा, या हमेशा के लिए यहाँ आने का मन है? देखते हैं, अभी मौका मिलेगा तो इससे बाहर भी जाऊँगा। कहाँ जाने पसंद? और ये दिल्ली जा रहे हो? इस्लामा
कब है? वीज वगैरह। अच्छा आप तो घंटे घंटे की बात। बढ़िया बढ़िया है। इंडिया में बस इतना या यही अच्छा है इंडिया में वास्ते तो। मुझे ये एरिया अच्छा लगा। गोवा वगैरह मैं अभी देखते हैं अगले इस साल सर्दियों में। सर्दियों में यहाँ से तो फ्लाइट ही पकड़ना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ से रोड भी जा सकते हैं। रोड में थोड़ा सड़क की वजह से काफी दिक्कत होती है ना। कहीं यार ही जाएंगे हम। थोड़ा बातें कर रहे हैं। इस गाड़ी में आए थे हम लोग और ये कह रहे हैं भाई का लव टू राइड। काफी मजा आया था रात को। अच्छा ठीक है। पापा को क्या चीज होता है वो जो इधर बना हुआ है उसके अंदर। हाँ वो फेमस है अभी न्यूली बनाया। ओके क्या मतलब माने 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 विजिट कर लेना थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। राइट राइट। अच्छा यहाँ माने का माने को कैसे क्या होता है माने का मतलब? माने के अंदर जो उसके अंदर पहले से बना हुआ होता है उसके अंदर वो होता है होली बुक्स। ओके होली बुक्स और उसके अंदर बहुत सारी चीजें डाला हुआ होता है जिससे शांति के लिए। ओके ओके ओके। ऐसे मेरा वही लगता है मुझे तो। हाँ हाँ दीक्षित में मैंने जैसे देखा है ऐसे जैसे ऊपर बना हुआ है तो वहाँ पे पूछा था उन्होंने ना अपने पूर्वज के जो अवशेष है ना। हाँ हाँ। वो रखे हुए थे वहाँ पे। यहाँ पर मैंने लेह में फिर पूछा ना तो लेह में बोला कि यहाँ अब नहीं होता पहले होता था। पहले होता था। हाँ अब ये नहीं होता। जो जैसे किसी का डेथ हो गया होगा उनके मन की शांति के लिए बना देता है। चलो ठीक है बाय। फोन कर लेना। हाँ जी कोई दिक्कत। अभी हम निकल पड़े हैं और भाई को बाय बोल दिया। काफ़ी खातिरदारी की भाई ने, रहने के लिए जगह दी और गुरुद्वारा पत्थर साहिब से हमें लेके आए। वहीं पे एक्चुअली ये कुछ काम से गए थे तो जैसे उनको पता चला कि ऐसे ऐसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो ये उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हम जा रहे हैं आपको छोड़ दिए। फिर उसके बाद भाई थोड़ी देर में वापसी आए और बोले आपका रहने का इंतज़ाम हमने कर दिया है आप हमारे साथ रहोगी। और काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी प्यारा घर था। काफ़ी प्यारे लोग थे। ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। और जो स्टार मिल्की वे देखना था वो भी मुझे दिखने को मिला कल नाइट। तो काफ़ी अच्छा लगा। जिले जिले जुले का मतलब होता है यहाँ पे नमस्ते। जुले का काफ़ी मतलब होते हैं यहाँ पे ग्रीटिंग है जिस तरह से हाँ जैसे हम अपनी साइड करते हैं वैसे यहाँ पे जुले नमस्कार नमस्ते सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। जिन भैया के घर हम रुके थे वो बता रहे थे कि ये बोस्को विलेज पहले मेन सिटी हुआ करता था। ये सिटी हुआ करता था और यहाँ के जो किंग थे वो यहाँ से फिर तिक्सी चले गए थे। जो तिक्सी मोनेस्ट्री आप देख रहे हो वहाँ पे वो चले गए थे। उसके बाद वहाँ से वो लेह में आए और लेह में वो वहाँ पे रुके और 1800 तक राज किया। और वहाँ आज लेह को आज लेह मेन सिटी बन चुका है यहाँ का। उसमें मेन सिटी बन गया बट लेह में क्या हुआ 1800 में जो नामग्याल डायनेस्टी थी इनकी नामग्याल थे दो आई थिंक 1800 के आसपास डोगरा डायनेस्टी यहाँ आई। उनकी लड़ाई हुई नामग्याल डायनेस्टी से हारी और वो उनको यहाँ से निकाल दिया गया। तो वो जो लेह पैलेस जब आपने कल देखा भी था वो अबैंडन हो गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो स्पितुक चले गए। सॉरी स्पितुक नहीं है स्टोक चले गए। स्टोक जो तो स्टोक पैलेस स्टोक, है वो उनका फाइनल है। अभी स्टोक पैलेस में अभी भी उनकी जनरेशन चल रही है। ओके ओके। उन राजा जी के तो इस समय स्टोक में है जो मेन इनका वो है मेन फैमिलीज या जो मेन इनकी लीनियज जा रही है इस समय स्टोक में है वो। स्टोक तो ये यहाँ की जो बताई जाती है कि ऐसे यहाँ थे चौकिंग और ये तब से यहाँ का ये गोम्पा है। गोम्पा एक्चुअली गोम्पा में हम जैसे मदरसे वगैरह में पढ़ाते हैं वैसे ही गोम्पा में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी बंद है मोनेस्ट्री और बस इतना ही दिखा सकते हैं हम आपको। यहाँ पे कोई नहीं है यार। पता नहीं शाम के टाइम खुलता है किस टाइम खुलता नहीं पता बट यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ से ऐसे व्यू आता है आप देख सकते हो और नीचे भी है।
मोहम्मद अली सर है, इन्होंने लिफ्ट दी हमें यहाँ तक। करीब हमारे 30-35 मिनट बच चुके हैं और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर और रह गए हमारा। और थैंक यू सो मच सर, यहाँ तक लिफ्ट मिली थी और अब हम आगे पैदल चल रहे हैं। रिकॉर्ड है तोड़ को आपको और इसे खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम नए में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं पानी में, और अपने बेंगलोर से कुछ भाई हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। देखो जा रही, हाँ बस चलना काफ़ी पड़ा हमें, बट ये हाईवे से थोड़ा 10-15 किलोमीटर अंदर की तरफ है और इस गांव में बस आने का मन बन गया। वैसे मुझे नहीं पता था, भाई ने बोला नहीं हमें चलते हैं, चलते हैं, सेम रूट है हमारा, तो हम आगे और इन्जॉय कर रहे हैं अब यहाँ पे। और अभी ये जाओगे ना भाई? तो गाइस ये था नेही विलेज। नेही विलेज में ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, बस ये एक बुद्धा स्टैचू है। तो आज की रात हम यही स्टे करेंगे और रात को यहाँ से मिलके बहुत अच्छा दिखाई देता है, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।